हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे 10 जून, और 10 जून को जो है ना हमारे श्री गुरु महाराज जी का राजतिलक दिवस होता है। तो मैंने सोचा आज के दिन क्यों ना कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल बनाया जाए, और रेसिपी के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे किचन के दो नए मेहमान जो कि मेरे फेवरेट है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पतिदेव और बच्चे जो है ना इस समय कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। हस्बैंड ने जो है ना एक हाफ एन आवर का ब्रेक लिया है अपने काम से, चाय का टी ब्रेक है अभी हमारा। तो मैं जो है ना चाय चढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी गैस पे, तो पीते हैं गर्मा गर्म चाय, एंड देन उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे किचन के दो प्यारे प्यारे से मेहमान। तो ये है नंबर वन मेरा प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर है बटरफ्लाई का, और ये मैंने जो ना डी मार्ट से ख़रीदा था। ये मुझे 50% डिस्काउंट में मिला था, और सेम प्रेशर कुकर मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है बटरफ्लाई का ही। तो इसका एम आर पी देखिए 3646 का था, ये 3646 का, और मुझे जो ये ना 50% ऑफ में मिला। और क्योंकि ये मेरा ट्रायल किया हुआ मॉडल है, मैं ऑलरेडी ये वाला प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ये बहुत ही पसंद आता है। तो ये डी मार्ट का बिल और ये इसका वारंटी कार्ड वगैरह है, और मैं आपको पूरा जो पीस है ना ओपन करके दिखाती हूँ। और मैं पिछले 3 सालों से ये सेम बटरफ्लाई का 3 लीटर वाला स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ। आपने मेरे काफ़ी सारे व्लॉग में मेरा कुकर देखा भी होगा, तो मैंने सेम एक और लिया है। हमारी फैमिली में रेगुलर साइज़ में यही वाला जो है ना परफेक्ट होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, तो मुझे ज़रूरत भी थी एक इस साइज़ के प्रेशर कुकर की। तो मैंने सेम ब्रांड का सेम कैपेसिटी वाला कुकर ही ख़रीदा। ये इसकी विजल है, और ये इसका जो रबर है ना बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का होता है। पिछले 4 सालों से मैंने आज तक वो रबर चेंज भी नहीं किया है, और मैं क्या बोलूँ, मेरा फेवरेट कुकर है। तो मुझे एक और इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने ये ख़रीद लिया। और मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कराती हूँ मेरा किचन का दूसरा नया मेहमान, और ये है आयरन की छोटू सी कढ़ाई। छोटी सी कढ़ाई है, लेकिन इस कढ़ाई की स्पेशलिटी ये है कि ये देखिए इसका बॉटम ना थोड़ा सा गहरा है। गहरा और डीप बॉटम होने से क्या होता है ना, हमें थोड़े से तेल में ही जो है ना काफ़ी सारी कढ़ाई जो है ना फिल हो जाती है। अगर फ्लैट बॉटम की चौड़ी सी जब हम कढ़ाई लेते हैं ना, तो उसमें काफ़ी तेल आपको डालना होता है। तो ये मैंने स्पेशली डीप फ्राई पर्पज़ से लिया है, क्योंकि मैं जो ऑयल यूज़ करती हूँ ना डीप फ्राई में, मैं ट्राई करती हूँ कि कम से कम ऑयल डालूँ, सो दैट जला हुआ गरम वाला तेल जो ना कम से कम बचे, उसका जो है ना वेस्टेज कम से कम हो तेल का। तो इसी पर्पज़ से मैंने ये वाली कढ़ाई ख़रीदी है। तो बस सबसे पहले ना मैं ये प्रेशर कुकर और ये कढ़ाई दोनों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, बिकॉज मैं जो है ना आज फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रही हूँ, तो पहले मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। कुकर और कढ़ाई दोनों को जो है ना मैं धो के सूखने के लिए रख देती हूँ, और जब तक मैं कर लूँगी शाम की दिया बाती, एंड देन उसके बाद जो है ना डिनर की तैयारी करूँगी।
तो शाम की दियाबत्ती आरती भी हो चुकी है, चलते हैं किचन में। तो ये नया प्रेशर कुकर मैंने रख दिया और जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ ना, मैंने ये स्टिकर इसका जो है ना इस तरीके से निकाल दिया। और अब इस प्रेशर कुकर में मैं डालूंगी 1 चम्मच घी। और ये बासमती चावल है जो कि मैंने ना भिगा के रखे थे आरती करने के पहले, उन्हें इस तरीके से जो है ना हाथों से क्रश करके और इस घी में डाल के इसे जो है ना थोड़ा सा भून लूँगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर इस कुकर में पहली बार, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर है ना पहली बार लिया है, तो ट्राई करती हूँ कि जो भी नया यूटेंसिल्स है ना उसमें कुछ मीठा बनाऊँ पहले और भोग लगाऊँ, एंड देन उसके बाद उसमें जो भी रेगुलर रेसिपी बनानी है। तो बस चावल को जो है ना मैंने स्लो फ्लेम पे घी में डाल के थोड़ा सा इसे भून लिया। मीडियम टू स्लो फ्लेम पे आप रखिए, फुल फ्लेम पे मत रखिए। एंड देन उसके बाद 1 कप दूध डाल के मैं इसे जो है ना 2 विजल दिला दूंगी। 2 विजल में क्या होगा ना, चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे। 1 चुटकी मैंने इसमें जो है ना केसर भी डाली है, काफ़ी अच्छा रंग और फ्लेवर आता है केसर का। और बस इसे 2 विजल दिला दूंगी मैं, एंड जब तक इसे 2 विजल आ रही है मैं जो है ना पूड़ी के लिए आटा गूंथ के रेडी कर लूँगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी, खीर और आलू की सब्जी। तो पूरी के लिए मैंने आटा भी यहाँ पे गूंथ के रेडी करके रख दिया है और अब चलते हैं खीर की तरफ। तो चावल भी जो है अच्छे खासे कुक हो चुके हैं, 2 विजल बस पहले इसे दिलाई और अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्के हाथों से इसे मैश करके और 5 से 6 कप के करीब दूध इसमें ऐड कर दूंगी। और अब इस दूध को अच्छे से हम इसमें उबाल आने देंगे जब तक जो खीर की कंसिस्टेंसी इसमें नहीं आ जाती। अब मैंने इसमें डाला 1/2 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और अगेन से इसे जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे हम उबाल दिलाएंगे अच्छे से। एंड देन उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ी सी चिरौंजी, थोड़ी सी किशमिश और थोड़ी सी बादाम। आप अपनी चॉइस के हिसाब से ड्राई फ्रूट जो भी आपको अच्छा लगता है इसमें ऐड कर सकते हैं। और बस इसी तरीके से बस आपको ये खीर बनानी है, प्रेशर कुकर में बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी सी। तो तैयार है हमारी प्रेशर कुकर वाली केसरिया खीर। और अब चलते हैं सब्जी की तरफ। तो इस सब्जी की खासियत ये है कि इसमें बिल्कुल भी प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया और 1 कटोरी में 1/2 छोटा चम्मच हल्दी ली, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा का पाउडर और 1 चम्मच आमचूर का पाउडर। बस इसका जो है ना हम घोल बना लेंगे, क्योंकि टमाटर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे तो मैंने थोड़ा सा इसमें आमचूर ऐड किया हुआ है। और अब पैन में मैंने 4 छोटे चम्मच के करीब सरसों का तेल लिया है। जैसे ही तेल गर्म हुआ मैंने इसमें डाला 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता इस तरीके से 4 टुकड़ों में करके, 2 चुटकी के करीब मैंने हींग ऐड की है इसमें। और अब ये मसाले की पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और अब इसे जो है ना आप मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लीजिए 1-1.5 मिनट, जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। जैसे ही इसका ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होना स्टार्ट होगा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और उसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 आलू ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए थे, तो उन आलूओं को भी हम इसमें क्रश करके डालेंगे। तो देखिए पूरा ऑयल जो है ना सेपरेट हो चुका है मसाले से और इस स्टेज में मैंने इसमें 5 आलू इस तरीके से मैश करके डाल दिए और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें 2 से 2.5 कप के करीब पानी डाल दूँगी। काफ़ी इजी एंड क्विक वाली ये रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस लगती है, पूड़ी के साथ बहुत ही बेहतरीन सा स्वाद आता है। तो बस पानी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर लीजिए। और अब मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली और 1 चम्मच गरम मसाला। कसूरी मेथी और गरम मसाला आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही बेहतरीन सा स्वाद आता है इस सब्जी में। और अब इसे ढक के लिड लगा के हम जो है ना स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर कुक होनेंगे। मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था तो 1/2 कप के करीब पानी मैंने इसमें और ऐड किया और थोड़ी देर इसे कुक होने दिया। तो देखिए तैयार है हमारी पूरी वाली आलू की सब्जी, बिना टमाटर, बिना प्याज, बिना अदरक लहसुन किसी भी चीज़ के, बस सिंपल से घर के हम रेगुलर मसाले इसमें इस्तेमाल करते हैं। बस ऊपर से मैंने इसे
ताज़ा हरे धनिया से गार्निश कर दिया। तो अब मैं बना लूँगी पूड़ी। तो पूड़ी के लिए मैंने ये मेरी छोटी सी नई कढ़ाई रख दी और उसमें डाला तेल, क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी छोटी है तो इसमें बहुत ही लिमिटेड ऑयल जाता है, और क्योंकि ये डीप है ना थोड़ी सी, तो उसकी वजह से भी इसमें तेल और कम लगता है। और इसकी जो थिकनेस है कढ़ाई की, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, तो बहुत जल्दी जो है ना तेल इजीली गर्म हो जाता है। अक्सर मोटी कढ़ाई में ना तेल थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है गर्म होने के लिए। तो बस पूड़ी मैंने डाली, और इस वाले झारे से जैसे ही मैं पूड़ी निकालने लगी ना, मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि कढ़ाई की और इस झारे की साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो मैंने जो हमारा बेसिक रेगुलर झारा होता है ना, ये वाला, ये निकाला और इससे पूड़ियाँ तली। एक बस ये छोटी सी ही डिफ़िकल्टी मुझे इस कढ़ाई में हुई, अदरवाइज़ मुझे ये कढ़ाई बहुत ही परफेक्ट लगी डीप फ्राई के लिए। बहुत ही लिमिटेड ऑयल में मेरा जो है ना काम हो गया और बहुत ही क्विकली। तो बस इस तरीके से मैंने जो है ना यहाँ पे सारी पूड़ियों को तल लिया, और हस्बैंड को भी लगी है भूख, तो साइड बाय साइड हस्बैंड जो है ना थाली सर्व कर रहे हैं भोग के लिए। और क्योंकि आज राष्ट्र तिलक दिवस है तो श्री गुरु महाराज जी को खीर पूड़ी का भोग लगेगा और आलू की सब्जी। तो बस फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग, मेरे आज के किचन के ये दो क्यूट से नए मेहमान, मेरा फेवरेट सा प्रेशर कुकर और ये छोटी सी कढ़ाई। तो आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।